वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो अभी तक जो अपना रिजल्ट है उसको लेकर कंफ्यूजन में है कि हमारे कितनी परसेंटेज बनने वाली है ट्वेल्थ बोर्ड में। अरे राजस्थान बोर्ड ने अपने को प्रमोट कर दिया है बिना एग्जाम के ही, तो जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था रिजल्ट निकालने का, अरे रिजल्ट तो निकलेगा ही, तो रिजल्ट निकालने का उन्होंने फॉर्मूला दिया था। अब इस फॉर्मूले में भी कईयों के दिक्कत हो रही है, अभी तक कन्फ्यूजन है कईयों के कि सर जो रिजल्ट हमारा है वो किस प्रकार से आने वाला है, हमारी कितनी परसेंटेज बनने वाली है। तो जिनको अभी तक भी कंफ्यूजन है ये फॉर्मूला देने के बाद भी, पेपर पढ़ने के बाद भी, कई एक्सपर्ट ने समझाया उनके बाद भी, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके बाद आपका जो जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, दूर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आपका रिजल्ट निकलने वाला है। जो क्लास ट्वेल्थ है, इससे जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने 10th क्लास का जो रिजल्ट निकालना आपको आसानी से बता दिया था, बाकी 12th क्लास के लिए मैंने बताया था, लेकिन जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए मैंने बताया था। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें मैंने बोला था थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आज जो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो मैं आपका बिल्कुल दूर कर दूंगा। तो देखिए जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आपका तैयार होने वाला है, केवल और केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं, बाकी जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी अपना रिजल्ट बना सकते हैं जिस फॉर्मूले से मैं बताऊंगा। तो देखिए कि एक स्टूडेंट से मेरे को कमेंट किया था, व्हाट्सएप किया, कमेंट किया, तो उनमें से मैंने एक रिजल्ट मैंने लिया कि एक स्टूडेंट था उसके 10th में 79.33 परसेंटेज थे और उसके जो मार्क्स है इस तरीके से आए हुए थे। तो उसने पूछा कि सर मेरे कितने परसेंटेज बनेगी, तो फिर मैंने सोचा कि इसी पर क्या बना देता हूं भाई, वीडियो लेक्चर बना देता हूं। तो देखो उसके इतने परसेंटेज थी और इतने इतने उसके नंबर आए थे 10th क्लास में, और 11th क्लास में उसके 80% थी, तो अब कितने बनने है। अरे बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स है, है ना। अब जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो देखो उसके हिंदी में इतने आए थे, इंग्लिश में इतने आए थे, इतने इतने आए थे। अब पहले तो ये बताओ जो फॉर्मूला था वो क्या था, 40-20-20-20, मतलब जो 40% जो नंबर है वो कहां से लिए जाएंगे भाई, 10th क्लास से। जो 20% जो नंबर है वो कहां से ले जाएंगे भाई, 11th क्लास से। बाकी के जो 20% है, अरे जो 17 अंक है और जो आपकी जो एग्जाम्स लगी है, एग्जाम मतलब जो भी आपके टेस्ट लगे उनके अकॉर्डिंग, तो ये मान लीजिए कि टोटल ये जो 40 नंबर है वो आपके स्कूल वालों के हाथ में ही है 12th क्लास के। अरे 12th में आपने जितनी भी स्टडी की है और स्कूल में आपने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग स्कूल वाले आपको क्या करेंगे, ये नंबर देंगे। 40 में से कितने नंबर देते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। बाकी आपको पता है प्राइवेट स्कूल जो है, अधिकतर स्कूल है, तो वो क्या करते हैं पूरे 40 में से 40 ही आपको देने वाले हैं, और कम देते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा परसेंटेज। तो देखो तो होता क्या है, तो उन्होंने जो 40% लिया, अरे 40% वो लेंगे, वो किसका लेंगे, 10th क्लास का। अब ऐसा नहीं है कि जो 10th क्लास में आपके परसेंटेज बनी उसी का वो 40% ले लेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे आपके टॉप थ्री जो स्कोर है, जो टॉप थ्री सब्जेक्ट के स्कोर है, जैसे मान लो कि टॉप थ्री कौन कौन से हो गए भाई, टॉप थ्री कौन कौन से हैं, जो हाईएस्ट नंबर आपके, जैसे मान लो आगे संस्कृत में उसके नंबर आए थे संस्कृत में 90, और हाईएस्ट उसके बाद कौन सा है भाई 86, उससे छोटा कौन सा है भाई 79। तो ये आपके तीन जो टॉप सब्जेक्ट है, अरे थ्री जो टॉप सब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, उन तीन सब्जेक्ट को लेंगे। तो ये तीन सब्जेक्ट लिए, हिंदी, मैथ और संस्कृत उन्होंने ले लिया, अरे जर्मनी सबके ये सब्जेक्ट ले, वो क्या करेंगे आपके नंबर देखेंगे, जो हाईएस्ट जो तीन नंबर जो आपके आएंगे वो उठाएंगे। जैसे मान लो ये मैंने उठा लिया, तो वो उठाएंगे किस किस को भाई, 79 को, 86 को और 90 को, और वो इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करके वो किससे डिवाइड करेंगे भाई, 3 से। जैसे इनको ऐड करके 3 से डिवाइड किया और उनको कितना मिल गया भाई, 85 मिल गया क्या, अरे जो एवरेज है उनको कितना मिल गया 85, अरे जोड़ करके आप 3 का भाग लगा लेना तो कितना मिल जाएगा, एवरेज उनका मिल गया 85, ठीक है, एवरेज उनको 85 मिल गया। तो वो क्या करेंगे, इस 85 का कितना परसेंट निकालेंगे, 40%, ये ध्यान रखना। वो क्या करेंगे, इस 85 का कितना परसेंट निकालेंगे, 40%। तो मैं निकाल लेता हूँ एक बार के लिए, तो वो क्या करेंगे, अच्छा अब 12th का रिजल्ट भी तो बनाए, ठीक है, जो 12th का रिजल्ट बनाएंगे तो आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है,
बायो वालों के लिए बताऊंगा भाई कि बायो वालों के लिए भी बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे तैयार होगा इसके बाद में, ठीक है। तो देखिए हिंदी जो है, अब आपके क्या करेंगे वो, तो वो क्या करेंगे कि इस, अरे जो 40% लेंगे किसका, 85 का, तो 85 का 40% कैसे निकालूंगे, अरे जितने भी आपका एवरेज आएगा, आप तो एवरेज निकाल लेना, जो तीन सब्जेक्ट है तीनों को जोड़ करके तीन का भाग लगाना, तो जो भी आए तो उसका 40% निकालना, तो 40% कैसे, 40/100 से गुणा कर दीजिएगा, तो गुणा कर दोगे तो ये कट गया, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया भाई, तो जब गुणा किया 5 × 20 ये हो गया 340, 340/10 कितना आ गया, 34 नंबर आ गया, अरे देख लेना जो भी आया, ठीक है, आपको कर लेना हल। तो कितना मिल गया मेरे को, तो इसका मतलब ये है कि 34 नंबर तो आपके सभी सब्जेक्ट में जुड़ गए हैं, 34 नंबर तो आपके सभी सब्जेक्ट में जुड़ गए हैं, ठीक है, किसके, 10th क्लास के, तो सभी में 10th क्लास के 34 नंबर वो जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 20% किसके, तो 20% वो लेंगे किसके भी, जो 20% लेंगे वो 11th क्लास के, तो 11th क्लास में आपके मान लो 80% थे, तो इसका भी वो 20% निकालेंगे, तो 20/100 से गुणा कर देना, अरे जो भी आपके 11th में परसेंटेज है उसको किससे गुणा कर देना, 20/100 से, तो गुणा करोगे तो 20 से 20 गए, और नहीं जाते तो आपको क्या करना, गुणा करके 100 का भाग लगा देना है, आ जाएगा, तो 8 × 2 = 16 नंबर, तो आपके जो 16 नंबर है, 16 नंबर किसके जुड़ जाएंगे भाई, 16 नंबर आपके 11th क्लास के जुड़ गए, 16 नंबर किसके जुड़ गए भाई, 11th क्लास के। अब 12th क्लास के जो है वो आपके स्कूल के पास में कितने कितने नंबर है भाई, स्कूल के हाथ में है 12th क्लास के कितने नंबर, 40 नंबर, तो अप्रोक्स ये मान लीजिए कि लगभग सभी के कितने नंबर जाने वाले हैं भाई, 40 नंबर ही जाने वाले हैं, ठीक है, बाकी हो सकता है कईयों के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, तो इस तरीके से वो क्या हो गया भाई, इतने नंबर आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट में, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आपको करना क्या है, इतना काम तो आपको कर लेना है, ठीक है, इतना काम करने के बाद में आपको पता है कि हिंदी के कितने नंबर हो गए भाई, हिंदी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपके कितने नंबर हो जाते भाई, 90 हो जाते, अरे देखो 34 और 16 कितने हो गए, 50 और 40 नंबर तो आपके हो गए हिंदी में। इंग्लिश में कितने हो गए भाई, तो इंग्लिश में भी हो गए 90। अब आपको पता है फिजिक्स में कितने हो गए, तो फिजिक्स में भी कितने हो गए 90, केमिस्ट्री में भी कितने हो गए 90, मैथ में भी कितने हो गए 90। अब क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट वो तैयार करेंगे, तो उसमें देखो मैं बताता हूँ, अब जो नंबर आने वाले हैं आपके हिंदी में, तो हिंदी में कितने नंबर आने वाले भाई, 90 नंबर ही आने वाले हैं। आप इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में भी 90 नंबर आने वाले हैं, और मैथ में भी कितने नंबर आने वाले हैं भाई, 90 नंबर ही आने वाले हैं। लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है भाई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए वो क्या करेंगे, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपके जितने भी टोटल नंबर आए हैं, जैसे मान लो आपके 90 नंबर आ गए, इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया भाई, 90, तो इस 90 का कितना परसेंट निकालेंगे, 70%, क्योंकि उसने बोल दिया है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होगी उसमें 30 अंक तो सीधे सीधे किसके होंगे भाई, प्रैक्टिकल के, तो 30 अंक प्रैक्टिकल के हो गए, तो बाकी का जो 70% है वो क्या करेंगे, इनका 70% निकालेंगे, इनका 70% लेकर के उसमें क्या करेंगे, 30 नंबर जोड़ देंगे, अरे क्योंकि इनका जो वेटेज रहेगा वो 70%, बाकी 30 जो नंबर है वो किसका वेटेज रहेगा भाई, प्रैक्टिकल का वेटेज रहेगा। तो देखिए वो क्या करेंगे, आपके ये जो भी आपका एवरेज आया है, अरे फिजिक्स जो इनमें नंबर थे, तो वो क्या करेंगे, इसका कितना परसेंट निकालेंगे, अरे टोटल करने पर 90 आया ना, तो इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 70%, तो कैसे निकालेंगे, 70/100 से गुणा कर दोगे, तो गुणा करोगे तो गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना हो गया भाई, 9 × 7 = 63, मतलब 63 नंबर तो इनके हो गए, इनका 70% निकालोगे तो 63 तो ये और 30 ये, अरे 30 प्रैक्टिकल के, तो कितने हो गए, इस प्रकार से आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर हो जाएंगे भाई, 93, इसमें भी कितने होंगे भाई, 93। मैंने क्या बोला है, जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें तो ऐसा का ऐसा ही रखना है, जितने भी नंबर आपके आए हैं वो वैसा का वैसा ही रखना है, बाकी जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है टोटल मान लो 90 हो रहे थे, अरे टोटल 90 हो रहे थे, तो 90 का कितना निकालना, अरे जितना भी आया आपके, तो उसका कितना परसेंट निकालना भाई, 70% निकालना, 70% निकालने के बाद जो भी आए उसमें 30 नंबर जोड़ देना, तो आपका जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, बाकी कईयों ने क्या समझाया भाई कि इसका कितना परसेंट निकाला उन्होंने, और जैसे मान लो कि 40 नंबर का वेटेज था तो वो क्या करते हैं उसका 70% अलग अलग से निकाला है, सबका 70% निकाल करके फिर उन्होंने क्या जोड़ा है भाई 30। तो कई स्टूडेंट्स के वहाँ कन्फ्यूजन हो गई थी, तो मैं बता देता हूँ वैसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल क्या करो सभी नंबर ऐड करके फिर 70% निकाल लो ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, वही आने वाला है जो आपके यहाँ 70% ले लेकर के करोगे, अरे इसका भी 70%, इसका भी 70%, इसका भी 70% लेकर के करोगे, इससे अच्छा क्या है आप टोटल करके ही 70% ले लो ना, वही आने वाला है और बिल्कुल एक्यूरेट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बाकी वहाँ जरूर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ये आपका रिजल्ट बन करके क्या हो गया भाई, तैयार हो गया कि इतने इतने नंबर आपके आ गए हैं यदि कोई मैथ वाला है। तो देखो टोटल आप बात करोगे तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई, तो टोटल आप बात करोगे तो 456 नंबर आपके हो जाते हैं, इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा भाई 456, 9 9 5 45, हाँ ठीक है, तो कितना हो गया भाई 456 नंबर हो गए। अब 456 की कितनी परसेंटेज बनती है आप निकाल ही सकते हो, 456 नंबर जो आए हैं वो किस में से आए हैं भाई, टोटल, टोटल आपको पता है टोटल कितना होता है, टोटल देखो अरे मैक्सिमम नंबर होते हैं 100, तो 100 200 300 400 500, तो 456 बटा 500 इंटू क्या कर लेना भाई 100, या फिर आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि अरे इंटू 100 करोगे तो 100 से 100 तो कटेगा ही कटेगा, तो आपको तो केवल क्या करना है कि जितना भी टोटल आए उसमें किसका भाग लगा लेना भाई 5 का, जैसे 5 का भाग लगाओगे तो 5 9 45, 5 एकम 5.2, तो 91.2% उसके बन गई है। तो देख लीजिए एवरेज उसके नंबर कितने थे, अरे टेंथ में तो उसके 79 थे अप्रोक्सीमेट, और 11th में उसके 80% थे, लेकिन 12th में कितने परसेंटेज बन गए हैं 91% बन गए हैं, अरे काफ़ी ज़्यादा आपके उछाल आने वाली है 12th की परसेंटेज में, मज़ा आ जाएगा ठीक है, और लगभग ये मानिए कि अधिकतर स्टूडेंट्स के 80% से अबव बनने वाली है। तो आप उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो आपको क्या करना है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। यदि यही स्टूडेंट किसका होता भाई बायो का होता, यदि यही स्टूडेंट किसका होता बायो का, देखो मैथ वाले के लिए मैंने परसेंटेज बता दिए, हाँ यदि यही स्टूडेंट किसका होता भाई बायोलॉजी का होता, तो बायोलॉजी का होता तो वो क्या करता, तो उसके क्या किया जाता, तो उसके देखो 90% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सी हो गई भाई, तो ये तो थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 3 हो गई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितनी होगी भाई 3, तो वो क्या करेगा इसका भी क्या करेगा, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, देखो नॉन प्रैक्टिकल तो ऐसे कैसे नंबर चला देगा वो, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो फिर क्या करेगा इसका कितना परसेंट निकालेगा भाई 70%, तो वही बात आएगी, देखो सेम ही तो आएगा सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सेम नंबर आने वाले हैं, तो इसमें 93 थे तो इसमें भी कितना आएगा उसके भाई 93, अरे मतलब जो भी नंबर आता है ना उसका वो 70% निकालेगा 30 नंबर जोड़ देगा, तो ये आ गए हैं। अब देखो जो टोटल है वो टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल की आप बात करो तो यहाँ कितना हो गया, वहाँ 456 था तो केवल 3 नंबर बढ़ गए, तो 459 नंबर हो गए हैं। अब इसका परसेंटेज निकालोगे तो मैंने केवल क्या बताया डायरेक्ट किसका भाग लगा लेना भाई 5 का, तो कितना आ जाएगा, तो वही 5 9 45, 5 एकम 5 5 6 30, 91 कितना परसेंटेज आ गया भाई 6% आ गया है ठीक है, एक मिनट 5 9 45, 5 एकम 5 ठीक है, कितना परसेंटेज हो गया भाई 5 8 40, एक मिनट, हाँ 91 कितना परसेंटेज हुआ भाई 8%, थोड़ा सही कर लीजिएगा ना कितना हो गया, अरे भाग ही तो देना तो भाग दे लेना, तो 91.8% उसके बन गए हैं। देखो सेम नंबर लेकिन बायोलॉजी मैथ में फ़र्क क्यों है, फ़र्क क्योंकि प्रैक्टिकल के कारण उसके 3 नंबर बढ़ गए हैं, तो बायोलॉजी और मैथ वाले के यदि सेम नंबर है, यदि सेम नंबर है तो उसके कितना परसेंटेज का फ़र्क आ जाएगा भाई, उसके कितनी थी पहले, तो मैंने बताया था 91.2% आई थी शायद है ना, तो देख लो 0.6% का फर्क पड़ गया है, 0.6% काफ़ी होती है, मतलब आधी परसेंट का फर्क हो गया है यदि सेम नंबर थे लेकिन बायोलॉजी वाला बाजी मार गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा रिजल्ट, अब आप खुद से तैयार कर पाओगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा है और